नमस्कार, हमारे चैनल टुडे हिमाचल पर आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 100 फीट नीचे गिरने से कार के उड़े पर खच्चे। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 222 नए मामले, वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर पॉजिटिव। हिमाचल के स्कूल्स और कॉलेजेस में कार्यक्रमों पर रोक, डॉक्टर घर पर करेंगे आइसोलेट मरीजों की जांच। बाइक पेड़ से टकराई, फौजी समेत 2 युवकों की मौत। एक क्लिक से किन्नौर के पर्यटन स्थल होंगे पर्यटकों के सामने। 5000 मीटर दौड़ में जोगिंद्र नगर की तमन्ना ने जीता गोल्ड। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 को लेकर बड़ी अपडेट। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। इसी के साथ साथ, अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसे भी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 100 फीट नीचे गिरने से कार के उड़े पर खच्चे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में नेरवा कॉलेज मार्ग पर सोमवार शाम हुए कार हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त कार अनियंत्रित होकर 100 फीट नीचे गिर गई और इसके पर खच्चे उड़ गए। मृतकों में 3 लोग एक ही गांव के हैं। हादसे के बाद नेरवा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक कार नेरवा से सांडली की तरफ जा रही थी। नेरवा कॉलेज से करीब 300 मीटर पीछे हादसा हो गया। कॉलेज मार्ग की तीसरी कैंची से लुढ़क कर ये कार पहली कैंची के समीप सड़क पर जा गिरी। कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 मृतक सांडली निवासी थे, जबकि एक अन्य मृतक बोहराड़ का रहने वाला था। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 222 नए मामले, वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। सोमवार को प्रदेश में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में कांगड़ा जिले का 49 वर्षीय व्यक्ति, ऊना का 52 वर्षीय व्यक्ति और मंडी जिले की 45 वर्षीय महिला शामिल हैं। ऊना जिले के उपमंडल बंगाड़ा के थाना कला कस्बे में मौत के बाद व्यक्ति के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा मृतक ने 1 सप्ताह पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन भी लगवाई थी। बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद से व्यक्ति अस्वस्थ था। सोमवार को व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना कला में उपचार के लिए भर्ती करवाया। यहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद इसे मृत घोषित कर दिया। उधर प्रदेश में 222 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला ऊना में 108, कांगड़ा 41, सोलन 26, सिरमौर 23, बिलासपुर 7, शिमला 11, मंडी 2 और कुल्लू 3, हमीरपुर में 1 नया मामला आया। कांगड़ा जिले में 4 विद्यार्थियों और 1 स्वास्थ्य कर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। ऊना में दादा स्वामी सत्संग व्यास के कई केंद्रों के 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पापटा साहिब के तहत पुरुवाला तिब्बतन स्कूल के 7 विद्यार्थी भी पॉजिटिव आए। हिमाचल के स्कूल्स और कॉलेजेस में कार्यक्रमों पर रोक, डॉक्टर घर पर करेंगे आइसोलेट मरीजों की जांच। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच हिमाचल प्रदेश में भी दिन प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं। सरकार ने कई बंदिशें भी लगा दी हैं। अब शिक्षा विभाग ने भी स्कूल और कॉलेजेस में कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगा दी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी आदेशों तक कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। वहीं सरकार ने डॉक्टर्स, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फिर फील्ड में उतारने का फैसला किया है। आइसोलेट मरीजों की जांच डॉक्टर पहले की तरह अब घर पर ही करेंगे। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी फील्ड में उतरकर निगरानी रखेंगी। बाइक पेड़ से टकराई, फौजी समेत 2 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक पेड़ से टकराने के कारण फौजी समेत 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। मृतक युवकों की पहचान अमित शर्मा 22, पुत्र रवि शंकर और विक्रम शर्मा 26, पुत्र नगीन चंद निवासी धार, पंचायत बरंडा नूरपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नूरपुर पुलिस को रविवार देर रात 2 बजे सूचना मिली कि NH स्थित क्लासिक एजेंसी छतरौली में बाइक सवार 2 युवक पेड़ से टकराकर बेसुध पड़े हैं। इन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर पहुंचाया। मृतक अमित शर्मा 3 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। वो 1 महीने की छुट्टी पर घर आया था। दूसरा युवक विक्रम सिंह पहले दिल्ली में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन कोरोना काल के बाद से घर पर ही था। दोनों रविवार को घर से जसूर की ओर गए थे। रविवार देर रात करीब 2 बजे वे अपने घर धार बरंडा वापस जा रहे थे। छतरौली में क्लासिक एजेंसी के नजदीक बाइक शीशम के पेड़ से टकरा गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
हिमाचल में शहरी निकाय और पंचायत प्रधान पद के लिए 183 नामांकन दाखिल। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय और पंचायत प्रधान पद के चुनाव के लिए पहले दिन सोमवार को 183 नामांकन पत्र दाखिल हुए। जिला मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधान पद के लिए सबसे अधिक 86 नामांकन पत्र भरे गए। आयोग ने नामांकन भरने के लिए 23 और 24 मार्च की तारीख भी रखी। इन चुनाव के लिए मतदान 7 अप्रैल को होगा। एक क्लिक से किन्नौर के पर्यटन स्थल होंगे पर्यटकों के सामने। किन्नौर जिले के पर्यटन स्थलों की जानकारी अब एक ऐप से मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप से जिले के सभी होटल्स का दूरभाष नंबर, सुविधाएं और फोटो भी दिख जाएगा। सोमवार को उपायुक्त ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र किन्नौर की ओर से तैयार किए गए ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए जिला प्रशासन, पुलिस हेल्पलाइन और आपातकालीन दूरभाषों नंबरों की जानकारी मिल जाएगी। जिले के सभी ट्रैकिंग रूट की जानकारी मानचित्र और चित्रों के माध्यम से उपलब्ध होगी। पर्यटकों को ऐसे पर्यटन स्थलों की भी जानकारी मिल जाएगी जो अब तक पर्यटन की दृष्टि से अनछुए हैं। 5000 मीटर दौड़ में जोगिंद्र नगर की तमन्ना ने जीता गोल्ड। 20 से 22 मार्च तक उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित कैलाश स्टेडियम में उत्तर भारत क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्र नगर की तमन्ना ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया। प्रतियोगिता में उत्तर भारत के 7 राज्यों धावकों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के 28 धावकों ने इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। तमन्ना ने 5000 मीटर की दौड़ को 17 मिनट और 55 सेकंड में पूरा कर दिखाया। पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस, बैठक में लिया फैसला। नगर निगम चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने अनुशासन समिति के सदस्यों को जिलों का दायित्व सौंपा। राजीव भवन में सोमवार को समिति के अध्यक्ष विप्लव ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। ये समिति 4 निगम चुनावों पर नजर रखेगी। समिति की बैठक करीब 2 घंटे तक चली और इसमें सिर्फ एक सदस्य शर्मिला पटियाल ही गैर मौजूद रहीं। विप्लव ठाकुर के पास शिमला और कांगड़ा मोहन लाल ब्रागटा को सिरमौर सोलन, संजय अवस्थी ऊना, बिलासपुर और चंबा, चेत राम ठाकुर लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू, केवल सिंह पठनिया को मंडी और हमीरपुर का दायित्व सौंपा गया। शर्मिला पटियाल को इन सभी सदस्यों के साथ समन्वय बनवाकर रखना होगा। इन सभी सदस्यों से कहा गया कि जिलों में अनुशासन से संबंधित शिकायतों को लेकर अपने स्तर पर दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। HPSSC जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 को लेकर बड़ी अपडेट। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। ये परीक्षा पिछले कल यानी 21 मार्च को हिमाचल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। हिमाचल में लाखों परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी के संदर्भ में कोई आपत्ति हो तो वे लिखित साक्ष्यों के साथ आयोग कार्यालय में व्यक्ति तौर पर अथवा डाक के द्वारा अपनी आपत्तियां प्रेषित कर सकते हैं। आयोग के निर्णय के अनुसार ईमेल द्वारा भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं होंगी। आपत्तियां आयोग के कार्यालय में 29 मार्च तक 5:30 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। इस अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार होगा। खाद्य व आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की तबियत बिगड़ी, IGMC में भर्ती। हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें IGMC शिमला के स्पेशल वार्ड में भर्ती किया गया। पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। अस्पताल में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग को दाखिल कर डॉक्टर्स ने जांच शुरू कर दी। उनकी एंडोस्कोपी करवाई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद बीमारी का पता चल सकेगा। चेतावनी के बीच बर्फबारी और बारिश, कल भी प्रदेश में बादल बरसने का है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को येलो और ऑरेंज अलर्ट के बीच कई जगह बर्फबारी और बारिश हुई। बर्फबारी के चलते अनल टनल, रोहतांग और जलोड़ी दर्रा वाहनों के लिए बंद हो गए। रोहतांग दर्रा में 50, कोकसर में 25, सोलंग नाला और जलोड़ी दर्रा में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में भी बादल बरसे लेकिन गेहूं के लिए नमी पर्याप्त नहीं हो सकी। बिलासपुर में अंधड़ से नुकसान हुआ। राजधानी शिमला में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मंगलवार को भी प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई इसी तरह की ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।